स्टूडेंट जेई मेन 2024 के स्टूडेंट हो, सेशन वन का एग्जाम देने वाले हो, तो यार देखो अब यार बोलोगे कि सर एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या होगी, सर इजी पेपर आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा, हम लोग को बहुत टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है। तो देखो स्टूडेंट, ये पिछले 5 साल के यार एग्जाम एनालिसिस है कि किस तरीके का एग्जाम 5 सालों में आया है, 2023 से लेकर 2019 तक। तो देखो 2023 में जो सेशन वन था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, सेशन टू इजी टू मॉडरेट था, ओवरऑल डिफिकल्टी 3.5 थी, 5 में से 3.5, मतलब पेपर डिफिकल्ट बोल सकते हो यार, क्योंकि यार 5 में से 3.5 मतलब नॉर्मल पेपर तो नहीं है। ठीक है, अब यार बात करते हैं 2022 में इजी और फिर सेशन टू इजी टू मॉडरेट और ओवरऑल डिफिकल्टी 2.5 की थी, यानी कि बहुत कम। मतलब 2022 में पेपर जो है बहुत इजी आए थे, तो मतलब यार जानते हो कि 2022 वाले बच्चे का थोड़ा सा फायदा था क्योंकि पेपर थोड़ा इजी आया था, तो अच्छी बात है। 2021 में मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट और ओवरऑल रेटिंग 4, मतलब सबसे हार्ड पेपर अभी तक देखा गया है वो 4 का है, जो 2021 का पेपर मतलब डिफिकल्ट था। कोविड के बाद मुझे लग रहा है सीधा 2021 में पेपर को डिफिकल्ट कर दिया गया था। फिर 2020 का देखें तो यार कोविड का टाइम था, मॉडरेट और इजी टू मॉडरेट, तो 3 का जो है ओवरऑल रेटिंग है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल। और 2019 में मॉडरेट डिफिकल्ट 3.5, तो यार अगर 3 तक है तब तो ठीक है, 3 तक है तो ठीक है, अगर इस बार का भी 3 तक रहा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है ना 3.5 टू 4 के बीच में रहेगा, क्योंकि यार सिलेबस में रिडक्शन, इजी टॉपिक्स खत्म हो गए और फिर कंपटीशन भी थोड़ा देखा जा रहा है, ठीक है, और यार ओवरऑल रजिस्ट्रेशन भी देखा जा रहा है, सब चीज़ देख के लग रहा है इस बार का जो डिफिकल्टी लेवल होगा 3.5 टू 4 के आसपास होगा। तो यार आप लोग को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यार फटाफट एक अंकित सिंह को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।